नारायण 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 एक बात ध्यान से समझ लेना सब लोग एक होता है क्रियाजन्य सुख घूमने गए खाया पिया ये किया वो किया मजा आ गया इसको बोलते हैं प्रवृत्ति जन्य सुख ये प्रवृत्ति जन्य सुख शक्ति का ह्रास करता है और थोड़ी सी झलक देता है और बांध देता है कि वहाँ से सुख मिला बाहर से शक्ति का आयुष्य का बुद्धि का ह्रास करके जरा सा भासमान झलक दे दे इसको बोलते हैं विषय विकारों का प्रवृत्ति प्रवृत्ति जन्य सुख दूसरा होता है भावना जन्य सुख भगवान मेरे हैं मैं भगवान का हूँ भगवान का स्मरण किया पूजा किया मंदिर गए अच्छा काम किया किसी के दुख दूर किए तो सद्भाव से ही किए तो ये भावना जन्य सुख में मेहनत थोड़ी होती है और सुख गहरे में होता है वो जीव को उन्नत करता है क्रियाजन्य सुख जीव को पतन में डालता है और भावनाजन्य सुख जीव को उन्नत करता है तीसरा सुख होता है ज्ञानजन्य सुख शरीर बदलने वाला है ब्रह्मा जी के एक दिन में चौदह इंद्र बदल जाते हैं और इंद्र के एक दिन में मनुष्य की चौदह सौ वर्ष की से पूरी हो जाती है चौदह पीढ़िया बदल जाती मनुष्य की तो इसमें क्या सार है क्या स्थिति है क्या सदा रहेगा देखत नयन चलो जग जाई का मांगू कछथिर ना रहाई देखते देखते दुनिया सब बदल रही है क्या मकान बनाऊं क्या चीज़ की फरियाद करूं ये सब जिसके पास है वो भी छोड़ के जाएंगे तो मेरे पास कब तक आएगा और कब तक रहेगा सब बीत रहा है राजे महाराजे होने की इच्छा नहीं होती राजे महाराजे के द्वारा भी हम ही राज्य कर रहे हैं और अभी हम यहाँ अपना जीवन जीते हैं राजाओं के रूप में भी मेरा ये आत्मा है और प्रजा के रूप में भी मेरा आत्मा है एक आत्मा ही अनेक रूपों का दिखा दिखता है जैसे स्वप्न में एक ही चैतन्य अनेक अच्छे बुरे व्यक्ति सुखी दुखी व्यक्तियों के रूप में दिखता है ऐसे ही एक ही चैतन्य परमेश्वर की अनेक रूप है तो कुछ पाने की कुछ खोने की कुछ नहीं ज्ञान जन्य सुख में उसकी स्थिति होने लगती है ये उन दोनों से ऊंचा है चौथा होता है ब्राह्म्य स्थिति प्राप्त कर कार्य रहे ना शेष मोह कभी ना ठग सके इच्छा नहीं लवलेश ये जो ज्ञानजन्य सुख है वही वास्तविक सुख स्वरूप आत्मा मैं हूँ उसमें जो शांत होना है उससे सामर्थ्य आता है ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं जिससे शक्ति का ह्रास ना होता ऐसा कोई सुख भोग नहीं जिसके पीछे भय दुख और रोग नहीं लेकिन ज्ञान जन्य सुख में न भय है न दुख है न रोग है श्री कृष्ण की माँ यशोदा जी ने कृष्ण को कहा ये कीचड़ में से हो क्या है लगता है कृष्ण तो अगले जन्म में सुअर था सुअर मारो रोयो भूडनी जैम कादो माँ फरी ना आयो तो कृष्ण खिल खिलखिलाकर हंसे के मैया पहचान गई कि सुवर में भी हम ही हैं <laughs> कोई बात नहीं हाँ माँ तुम ठीक बोलती हो तो ये ब्रह्म परमात्मा सूवर की चेतना भी बना बैठा है और मनुष्य की भी और देवता की तुम ठीक पहचानते हो तो ये जो आत्मा परमात्मा का दिव्य ज्ञान है उस ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा भगवान कृष्ण ने अर्जुन के अंदर पैदा कर दी था तो रण का मैदान घोड़े चिंखाड़ रहे हैं हाथी चिंखाड़ रहे हैं घोड़े हुकार रहे हैं एक दूसरे के खून के प्यासे हैं प्रतिशोध की भावना से एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ऐसी जगह पर अर्जुन और कृष्ण का गीता ज्ञान चल पड़ा ऐसी भयंकर वातावरण की स्थिति में भी श्री कृष्ण ने प्रश्न अर्जुन के हृदय में प्रकट कर दिया कि वो ब्रह्म कैसा होता है तुमको पता नहीं आदि देव कार्य क्या बोल किसको बोलते आदि भूत किसको बोलते अध्यात्म किसको बोलते इस सुख को जानने वाला पुरुष धन्य है तो बोले अध्यात्म क्या होता है प्रभु आदिभूत क्या होता है आदिदेव क्या होता है तो कभी कभी अपनी बुद्धि शुद्ध होती है तो दिव्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं कभी कभी कोई गुरु की या देव की कृपा होती तभी है तभी दिव्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं और उसका उत्तर मिलने से जीव परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है तो अर्जुन के हृदय में भगवान ने आदिदेव क्या है आदिभूत क्या है आदि यज्ञ क्या है आदि पुरुष क्या है इसको जानना चाहिए तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न खड़े कर दिए और अर्जुन के मन में जब जिज्ञासा हुई और श्री कृष्ण ने उत्तर दिया तो अर्जुन के अंतर आत्मा में तसली हो गई कि यह जो दिखता है वो भूत है लेकिन इसके अंदर जो दिखने का साधन है वो आदि देव है जैसे आँख आदि भौतिक है लेकिन इसमें देखने की शक्ति आदि देविक है और ये अच्छा देखती कि नहीं देखती है उसको जानने वाला चैतन्य आत्मा अध्यात्मा है सकाम कर्म जो कर्म करते और यहाँ का ही फल चाहते हैं अथवा स्वर्ग का फल चाहते हैं वो सकाम कर्म है लेकिन कर्म तो करते ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कर्म करते फल की इच्छा नहीं रखते करने के लिए कर्म कर लेते भलाई के उनका हृदय शुद्ध होता है ये अध्यात्म कर्म हो जाता है पितरों को देवताओं को खुश किया ये आदि देव कर्म हो जाता है लेकिन यहाँ के लिए वाहवाई के लोगों के खुश किया ये आदि भौतिक कर्म हो जाती आदि भौतिक कर्म में मेहनत ज्यादा होती है फल थोड़ा सा होता है आदि देव कर्म में मेहनत ठीक थोड़ी सी होती है फल यहाँ और वहाँ भी होता है आध्यात्मिक कर्म में मेहनत बिल्कुल नहीं वत होती है और फल शाश्वत होता है तो अभी ये ध्यान योग शिविर में आए हैं ये क्या है ध्यान योग शिविर में बैठना आना ये आना आदिभूत हुआ आदि आदि भौतिक कर्म हुए इधर पहुँचे बैठे हैं श्रद्धा भक्ति से जब तब कर रहे हैं ये आदिदेविक कर्म है लेकिन ध्यान के द्वारा जो सुनने को समझने को मिला अथवा ध्यान करने को हुआ तो ये मैं शरीर नहीं मैं मन नहीं मैं बुद्धि नहीं मैं चित्त नहीं मैं सुख भी नहीं और दुख भी नहीं हाथ को पता नहीं मैं हाथ हूँ मैं जानता हूँ ये हाथ है मन को पता नहीं मन हूँ लेकिन मेरे को पता ही मेरा मन है तो हाथ आदि भौतिक है मन आदि देविक है और मैं अध्यात्म हूँ तो मैं अध्यात्म नित्य हूँ शरीर पहले नहीं था लेकिन मैं पहले था दुख पहले नहीं था मैं पहले था सुख पहले नहीं था मैं पहले था तो सुख बाद में नहीं रहता दुख बाद में नहीं रहता लेकिन उसको जानने वाला मैं जहाँ से उठता है मैं मैं हूँ मैं हूँ ये जो है मैं दुखी हूँ तो दुख मिला दिया अपने में मैं सुखी हूँ तो सुख मिला दिया अपने में तो सुख और दुखाकार आदि देव वृत्ति है तो सुख आदि भौतिक निमित्त से भी होता है आदि दैविक निमित्त से भी होता है अध्यात्म को नहीं जानते इसीलिए सुख दुख के थपेड़े लगते रहते अध्यात्म को जाने तो सुख दुख के थपेड़े लग ही नहीं सकते अध्यात्म को वो जान ले तो आदमी पुष्ट हो जाता है जैसे शिव जी अपने अध्यात्म स्वरूप को जानते हैं तो उसमें ही शांत समाधि है भगवान नारायण अपने अध्यात्म स्वरूप को जानते हैं तो दैत्यों के साथ युद्ध करते हैं देवों का पक्ष लेते हैं फिर भी हृदय में देवों के लिए राग नहीं रखते और दैत्यों के लिए द्वेष नहीं रखते और अपने में कभी कर्म का कर्तापन नहीं मानते तो अध्यात्म कर्म आदि देविक कर्म आदि भौतिक कर्म इन सबको जानकर जो सार तत्व अध्यात्म है उसको उसमें स्थित हो जाए तो उसको फिर बड़े बड़े भारी कर्मों से लेपाएमान या बंधन नहीं होता श्री कृष्ण देर से आए बहुत देर से तो ग्वाल गोपियों ने पूछा केशव कहाँ गए थे आज बोले गुरु पूर्णिमा थी में अपने गुरुदेव का दर्शन करने गया था यमुना पार यमुना में तो पानी आ रहा है हमें भी आज्ञा दीजिए हम भी जाएं दर्शन करने वैशाखी पूनम गुरु का दर्शन करने से वर्ष भर के पुण्य कर्म का लाभ हो जाता है तो वैशाखी पूनम को गुरु के दर्शन करने जा रहे हैं तो यमुना जी में बाढ़ है तो कैशव हम कैसे जाए बोले यमुना जी को बोलो श्री कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो तो ये मिट्टी ले जाओ श्री कृष्ण ने कभी कुछ न किया हो तो यमुना जी हमें रास्ता देने की कृपा करे ऐसा करके चरण रज डाली और यमुना जी का पानी कुछ ऐसे ही हो गया कि वो लोग पार हो गए ग्वाल गोपियों को आश्चर्य हुआ कि कुछ नहीं किया हो वो देवांगना बोलती मेरी तो चोटी खींच लेते वो बोलते मेरा मक्खन खा जाते वो बोले मेरे को डिक्का देते वो बोलते मेरा दही ये कर दिया कुछ नहीं करते दिन रात धमाधम करते रहते और बोलते कुछ नहीं किया फिर गए दुर्वासा ऋषि के दर्शन करने तो कुछ प्रसाद ले गए थे तो बोले गुरुजी प्रसाद लाए आप स्वीकार करो तो बोले मुंह खोल दिया किसी ने कुछ डाला किसी ने कुछ खिलाया वो उनके श्रद्धा भक्ति से सब खाते गए जब लौटे तो फिर वो पानी की ऊंची स्तर थे आए थे तो कृष्ण ने अपनी चरण रज दी थी तो हम पार होके आ गए आप तो बाढ़ में फिर पानी बढ़ गया यमुना जी में तो दुर्वासा ने कहा के ले जाओ ये थोड़ी सी बबूत और यमुना को कह दो कि दुर्वासा ने कभी कुछ ना खाया हो ले हमारा आ देघड़ा में देगड़ा बधा उलेची ना ख्या देख के देगड़े के देगड़े चट हो गए मालपुए चट हो गए पूरिया चट हो गई बासुदी चट हो गई चट हो गया मक्खन मिश्री चट हो गए जो जो लाए थे सब दिया और चट हो गया और बोलते कुछ नहीं खाया लेकिन मन में ही रखा भभूत लाए कि यमुना माता दुर्वासा जी ने कुछ न खाया पिया हो देवांगना की वो बासुदी भी ना खाई हो और मेरी मक्खन मिश्री भी ना खाई हो इनके ढोकड़े ना खाए हो कुछ भी ना खाया हो तो ये दुर्वासा के चरण रज के प्रताप से यमुना जी आप हमको मार्ग दो मार्ग मिल गया बीच यमुना में आई बोले कन्हैया भी गप्पी दास उनके गुरु भी गप्पी दास और तू दासों को साथ देती है यमुना माँ इतने में पानी उछला घबराई कि ना 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 ना, ना कृष्ण सच्चा कृष्ण ने कुछ नहीं किया दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया माँ वो सब सच्चे हम झूठे दया करो दया पार लगे कृष्ण के पास गए कि के केशव हम तो अभी कुछ नहीं समझ पाते हैं आप इतना कुछ करते हैं तो केशव ने कहा कि हम करते हैं दिखता है लेकिन हम अपनी मैं को जानते हैं अपनी मैं जो आत्म चेतना है वहां तो विश्राम है वहाँ तो सत्ता मात्र है जैसे दीपक जलता है राजा आ गया उसके अनुचर आ गए नर्तकियाँ आ गई रास हुआ नृत्य हुआ अच्छे तबलचों ने बजाया लेकिन दिया जो कह त्यू दीपक सबको वैसे का वैसा प्रकाश दे रहा है तो ये सब कोई कैसा कोई कैसा हुआ लेकिन दिया जो का त्यों प्रकाश राजा नहीं आया था तभी भी दीपक टिम 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 आ रहा था आया प्रजा के लोग आए सब कुछ हुआ तभी भी दिया प्रकाशित कर रहा था और सब चले गए तब भी भी दिया प्रकाश कर रहा है ऐसे ये आत्मा दिया मन रूपी राजा इंद्रिय रूपी उसके अनुचर और चीज वस्तुएं ये सब व्यवहार हुआ तभी भी साक्षी आत्मा प्रकाश कर रहा था ये अच्छा व्यवहार हुआ बीच का हुआ गड़बड़ हुआ उस सब को देखने वाला मेरा अध्यात्म चैतन्य प्रकाश स्वरूप आत्मा का त्यों गमला ક્યાં ગયો ગમલા બેટા ગમણ લેખા હવે ગમલામાંથી બેટા ગમણ ભય ગમણ શેઠ ગમણ મિસ્ટર ગમણ આ બધા નામ ગમણ રમણ મોહન બધા નામો આવ્યા ગયા બદલાણા બીજું ત્રીજું થયું પણ એને જોનારો એ સાક્ષી એકનો એક મારો આત્મા તે આધ્યાત્મ તત્વનું જ્ઞાન મળે તો એના સાતે સાત કુલ તરી જાય बहुत ऊंचा ज्ञान है तो ग्यान। इस ज्ञान को अर्जुन ने युद्ध के मैदान में सुना और आत्मसात कर लिया बहुत ऊंचा ज्ञान है इस ज्ञान को जो अच्छी तरह से बिचारे और नीच कर्मों का त्याग कर दे और एकांत में इसमें स्थिति करे व्यवहार के पहले इसी में टिके व्यवहार के बाद इसमें टिके वह पुरुष कर्म करते हुए भी निर्लेप हो जाता है चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए दो पाटन के बीच में साबित रहा न कोई दिन रात सुख दुख मान अपना जीवन मरण इसी में सारे खप खप के स्वाह हो रहे कबीर जी बोलते हैं ये देखो संसार चलती चक्की है इसमें कोई साबित नहीं रहता है बदा घसेन खपी जाए फिर उस महापुरुष ने शांति में गोता मारा और सारभूत अनुभव की बात कही चक्की चले तो चालन दे चक्की चले तो चालन दे तू काहे को रोए लगा रहे तू खूंट से तो बाल न बाका हो चक्की चलती है ना, तो बीच में जो एक्सल जैसी खूंट होती है वो ज्यों की त्यों रहती है एक्सल जो की त्यों रहती है पहिया घूमता है ऐसे ही हाथ की चक्की की जो मुख्य नाभि है वो जो की त्यों रहती है और बाकी चक्की घूमते तो जो दाणे चक्की में आते वो मरते हैं कटते पिटते आटा बनते लेकिन जो खूंटे पे आ जाता है उसका बाल भाका नहीं होता ऐसे ही सुख में दुख में लाभ में हानि में जीवन में मरण में शरीर में मन में इंद्रियों में जो मैं करता है वो तो पिस जाता है लेकिन जो अपने साक्षी स्वभाव में टिक जाता है उसका कुछ नहीं बिगड़ता है वो मुक्तात्मा हो जाता है परमात्मा समाहिता शीतोषण सुख दुखे तथा मान अपमान ठंडी गर्मी सुख दुख और मान अपमान सबको ये समझता है कि सब माया का खेल है मेरा आत्मा अमर चैतन्य है श्वास अंदर गया तो सो बाहर आया तो हम मैं वही चैतन्य हूँ तुम बैठे रहना आँख खुली रखना नाक के आगे हिस्से पर नजर रखो श्वास अंदर जा रहा है उसमें मिला दो सो बाहर आ रहा है मिला दो हम सो हम हो गया आदि भौतिक शरीर है आदि देव मन इंद्रिया है और अध्यात्म सोहम स्वभाव सो है आदि भौतिक आंखें दिखना आदि देव है दिखा न दिखा उसको जानना अध्यात्म है अध्यात्म है। सारे कर्म का आध्यात्मिक करण थोड़ा कठिन लगेगा पापी आदमी तो कर ही नहीं सकता निगुरे की तो मजाल नहीं लेकिन अच्छे अच्छे साधक के लिए भी ये बहुत ऊंची साधना शुरू शुरू में जरा कठिन लगती है लेकिन आप इसमें सफल हो जाओ तो बहुत बहुत लाभ होता है संसारी लाभ सच्चा लाभ नहीं है अध्यात्म लाभ ही सच्चा लाभ है जैसे स्वप्न में किसी को करोड़ रुपया मिल गया तो क्या हुआ आप खुली तो कुछ नहीं स्वप्न में किसी को बारह साल की सजा आई आँख खुली तो कुछ नहीं ऐसे ही संसार स्वप्न है यहाँ आदि देविक आध्यात्म फायद आदि भौतिक फायदा हुआ तो भी कुछ नहीं आदि देविक फ़ायदा हुआ तो कुछ नहीं आध्यात्म फायदा ही फायदा है आत्म शांति और आत्मा परमात्मा की प्राप्ति का लाभ ही लाभ है बाकी सारे लाभ लॉलीपॉप चॉकलेट जैसे जैसे बचपन में खिलौने मिलते लॉली चॉकलेट मिलते और बच्चे खुश हो जाते लेकिन वो खुशी टिकी नहीं ऐसे ही संसार है संसार की कोई चीज़ें कोई बड़ा दर्जा मिल गया कोई बड़ी बात नहीं हालांकि वो बेवकूफ़ लोग हैं कि बोलते मेरे माँ बाप को तो कुछ भी नहीं था दो कमरे थे हमने इतना पा लिया अभी चार कमरे हैं दो गाड़ियाँ हैं मेरे माँ बाप तो बैलगाड़ी में जाते थे तो पहले उनके पास कुछ नहीं था हमने ये पा लिया लेकिन वो जो पाया है वो भी तो तुम छोड़ के जाओगे वो थोड़े में ही संतुष्ट थे तुम ज़्यादा में भी असंतुष्ट हो लेकिन उन्होंने भी अध्यात्म नहीं पाया और तुमने भी अध्यात्म ना पाया तो क्या बहादुर किया किसी ने ज़्यादा कमा लिया किसी ने कम कमा लिया किसी ने शरीर को ज़्यादा सुविधा में ऐश आराम में रखा किसी ने सादगी से जी लिया कोई बड़ी बात नहीं है अभी अपितु की में जीने वाला ज़्यादा बहादुर है जो हाय 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 करता है अपना आवश्यकता बढ़ाता है अपने खर्च बढ़ाता है अपने रिश्ते नाते बढ़ा के संसार में ज्यादा चतुर होता है तो वो तो और भी आदि भौतिक गहरा आदि भौतिक हो जाएगा जो कम पसारा करता है और चिंतन करता है वो आदि देविक में से धीरे धीरे अध्यात्म में जाएगा इसीलिए जब भी समय मिले समय मिले क्या निकालना चाहिए श्वास गिने सो हम आदि भौतिक मिथ्या ये शरीर ये मरने वाला है आदि देविक मन और स्वर्ग ये भी बदलने वाला है अध्यात्म नित्य रहने वाला है जो नित्य रहने वाला है वह वा आत्मा परमात्मा मैं उसमें शांत हो रहा हूँ फिर मन इधर उधर जाए ओ इतना लंबा नहीं करो ओम बस बस क्यों लंबा क्यों करते देखो सुनो पहले ओ बस करो बस करो ये अलग रीत है अभी जो सिखाते अलग रीत है वो वाला प्लूत अलग है शाबाश है ओ बस 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 भी रखो गाड़ी ओ ओम। ओ ओम। 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 सुनो होठों में भरो तुम होठों में बोलो बाहर नहीं आवाज़ निकालना अब श्वास अंदर जाए ओम बाहर आए उसकी गिनती करो एक भी श्वास बिना गिनती के नहीं जाए श्वास अंदर गया ओम ओम मान व अध्यात्मा आत्मा नित्य मैं उसमें शांत हो रहा हूं श्वास बाहर जाए तो गिनती ओम एक ओम दो श्वासोश्वास को गिनते जाओ एक भी श्वास बिना गिनती के ना जाए खबरदारी रखो बहुत भारी लाभ हो रहा है आदि भौतिक लाभ से सौ गुना आदि देविक लाभ का प्रभाव है और आदि देविक से हजारों गुना अध्यात्म लाभ का महत्व है चार घंटा रोज जप करें और नीच कर्मों का त्याग कर दे आध्यात्मिकता का चिंतन होने लगेगा एक साल के अंदर ईश्वर साक्षात्कार परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी अभी जैसे बैठे हैं ऐसा एक आध घंटा रोज सत्संग में अपने घर पे अपने ढंग से बैठे और 120 माला जप करें ईश्वर साक्षात्कार ओम हो, 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 हो. एक साल में कोई ग्रेजुएट नहीं होता हो जाए तब भी नौकरी नहीं मिलती नौकरी मिली तो भी संतुष्टि नहीं होती संतुष्टि भी हुई तो भी आध्यात्मिकता आदि देविकता नहीं आती आदि देविकता के लिए दान पुण्य करे ये वो करे तो भी आध्यात्मिकता नहीं आती लेकिन सत्संग से कृपा से आदि भौतिकता आदि देविकता आध्यात्मिकता अपने आप आती और कुछ संख्या जब की हो जाए तो जैसे पुरुष के पीछे पीछे उसकी छाया जाती है ऐसे उसके लिए रोजी रोटी सब सहज में होने लगता है असाध्य कार्य साध्य करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता